फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मार्च अटेम्प्ट का फीडबैक आ चुका है और फरवरी के कंपैरिजन में जेईई मेंस का जो पेपर है वो सेम टू सेम लेवल का रहा पहला शिफ्ट का। और बच्चों से फीडबैक जानने के बाद पता चला कि मैथ्स में इंटीग्रेशन से काफ़ी क्वेश्चंस थे, वेक्टर 3D मतलब खास करके 3D से 4 क्वेश्चन थे, तो 3D का काफ़ी वेटेज क्वेश्चन में रहा और बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे। केमिस्ट्री के अंदर, इनऑर्गेनिक के अंदर DNA ब्लॉक के भी क्वेश्चन थे, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में भी ऐसा ही क्वेश्चन आए। पी ब्लॉक के अच्छे क्वेश्चन थे, ऑर्गेनिक के एरोमेटिक कंपाउंड से अच्छे क्वेश्चन थे, फिजिकल केमिस्ट्री में लिक्विड सॉल्यूशन के क्वेश्चन थे, तो ऐसे कुछ चैप्टर्स का काफ़ी वेटेज देखने को हम लोग को मिला। फिजिक्स की बात करें तो रे ऑप्टिक्स के अंदर क्वेश्चन आया था, मॉडर्न्स के अंदर क्वेश्चन आया था, उसके अंदर सेमी कंडक्टर के भी क्वेश्चन आए थे। तो ओवरऑल अगर फीडबैक की बात करें तो फरवरी के कंपेरिजन में मार्च का पेपर भी ऑन एन एवरेज मॉडरेट रहा, इजी रहा, टफेस्ट आप नहीं बोल सकते हो, टफ नहीं बोल सकते हो, तो आपके लिए एक अच्छा मौका है कि आप यहाँ परसेंटाइल और से और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। लेकिन एक और चीज है कि इसी टाइप का अगर पेपर का लेवल बढ़ते रहा तो जो कट ऑफ है वो 92-93 परसेंटाइल क्रॉस कर जाएगा एडवांस के लिए। तो अच्छा है, ये फीडबैक को आप यूज करो, और कल किसी का कल अगर पेपर है, परसों पेपर है, तो ज्यादा से ज्यादा कॉन्शियस के साथ एफर्ट लगाओ। बहुत टाइम ऐसा होता है कि इजी पेपर होता है तो क्या होता है कि बच्चे जल्दी जल्दी में बहुत सारे ब्लंडर मिस्टेक कर देते हैं, तो मिस्टेक नहीं करना है, आपको मेंटेन रखना है। तो टेक केयर, फीडबैक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताओ। नया वीडियो जो है शाम में सेकेंड शिफ्ट के बाद आ जाएगा। टेक केयर।